Assalamualaikum and a very good morning. Jaago Lahore के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन. जुम्मे का दिन है तो आप सबको जुम्मा मुबारक हो जनाब. और रोज मैं सुबह सुबह शो शुरू करने लगती हूँ तो मैं अपने कैमरामैन से पूछ लेती हूँ कि आज जुम्मा ही है या आज थर्सडे ही है, ताकि ऐसे ही ना हो ना मैं गलत फहमी में आज जुमेरात की बजाय जुम्मा अनाउंस कर दूँ तो अजीब सी कन्फ्यूजन आप लोग को भी हो जाए. तो ये कन्फ्यूजन मुझे बहुत ज़्यादा होती है. एनीवेज जनाब, दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा उम्मीद करते हैं. मेरी चाय के साथ मेरे दिन का आगाज़ तो बहुत अच्छा हो चुका है. और आज के दिन जो हम आपके साथ रिसर्च शेयर करेंगे, डेफिनेटली दुनिया भर से जो रिसर्च है वो तो हम शेयर करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ लाहौर में क्या खबरें चल रही हैं, क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम डिटेल्ड बात करते हैं. लेकिन आगाज़ करेंगे रिसर्च के साथ और आपको बताएंगे कि दुनिया भर में बहुत सारी तेज़ रफ्तार जो ट्रेन्स हैं और इंटरनेशनली ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है. लोग मेट्रो बसेस का, ट्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. इवन वो अपनी गाड़ियाँ निकालना भी बॉदर नहीं करते क्योंकि वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है. इसी तरह से जनाब, जो चीन की सबसे बड़ी कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, CRRC GC के मुताबिक वो 2020 तक ड्राइवर के बगैर चलने वाली ट्रेन जो है फास्टर जनरेशन की जदीद तरीन जो ट्रेनें हैं वो मुतारिफ करवाएंगे. और ये तेज तरीन ट्रेनें होंगी जो जदीद टेक्नोलॉजी के से लेस तो होंगी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के तहत बनाई जाने वाली जो ट्रेनें हैं या इस तरह की जो दीगर सवारियां हैं जमीन में थोड़ा सा ऊपर हवा में मुअल्लिक चलती हैं. ये ट्रांस कहा जाता है इनको जो चलती है नॉर्मली वेस्टर्न ममालिक में, जिनकी वजह से इनकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा तेज होती है. और ये जो टेक्नोलॉजी से लेस ट्रेनें हैं 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करने की अहल भी होंगी. और इस तरह की रफ्तार जो है इस तरह बनाई जाएगी या किसी और कंपनी की ट्रेन से बहुत ज़्यादा है. 200 किलोमीटर फी घंटा, इट्स अ वेरी फास्टर ट्रेन. और इस तरह की जो ट्रेनें आमतौर पर 160 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से जो नॉर्मली अब प्रैक्टिस में है जो चलती हैं ट्रेनें, लेकिन ये फास्टर जनरेशन की ट्रेन होंगी तो ये 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी. और अलबत्ता चाइना ने अनाउंस कर दिया कि आइंदा आने वाले वो 2 सालों में ड्राइवर के बगैर चलने वाली ट्रेन या ट्रांस जो है वो मुतारिफ करवाएंगे. और इब्तदाई तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेन जो है 217 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर कर सकेगी. ऐसे जनाब दूसरी रिसर्च भी शामिल करेंगे. और बहुत सारे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं. और जब कोई इंसान किसी बीमारी से लड़ रहा हो और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा हो तो और वो अपने शादी की पिक्चर के साथ एक कैप्शन दे तो वो बहुत ही एक कह लें इमोशनल सी चीज़ होती है. और ऐसा ही खातून ने किया जो कैंसर से लड़ रही थी और उन्होंने अपनी शादी के फ़ोटोशूट की पिक्चर्स जो है वो इंस्टाग्राम पे अपलोड की और जिससे वो वायरल तो हुई लेकिन साथ साथ अपनी खामियों को उन्होंने तस्लीम भी किया और ख़ुद को तब्दील करने का अज़्म भी जाहिर किया. मलेशियन खातून है जिनका ताल्लुक है मलेशिया से और ये बेसिकली इंस्टाग्राम पर इन्होंने अपनी शादी का फ़ोटोशूट शेयर किया और इसको बोल्ड ब्राइड का नाम दिया जनाब. और इस फ़ोटोशूट को जो शेयर करने का मकसद यही था कि जो कैंसर के अफराद शिकार और कैंसर के शिकार अफराद जो हैं इनको ये एहसास दिलाया जाए कि वो खूबसूरत भी हैं और दलेर भी हैं. और इन खातून की बात यह कि दूसरी बार ये कैंसर से लड़ रही हैं और इन्होंने अपनी शादी की पिक्चर के साथ एक बहुत डिटेल जो कैप्शन भी दी और उसको उसके बाद वो जो आपकी पिक्चर और पहले की पिक्चर उन्होंने शेयर की और साथ में उन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि नो डाउट उनमें बहुत सारे फ्लॉज होंगे लेकिन वो अपनी इस बीमारी के साथ लड़ भी रही हैं और नहायत बहादुरी और ख़ूबसूरती के साथ लड़ रही हैं. तो इस खातून के हवाले से इंस्टाग्राम पे इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स तो है ही लेकिन साथ साथ ये पोस्ट भी बहुत वायरल हो रही है. अच्छा जनाब, जो बैंकर्स होते हैं मेरे घर में, चूंकि मेरा एक अदद भाई बैंकर है तो मुझे पता है जब आप उन्हें पैसे देते हैं ना तो उनके गिनने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. और इसी तरह से ना यहाँ पर मैं जिस जो रिसर्च आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दुनिया भर में जो बैंकर्स होते हैं या बैंक्स में जो लोग काम करते हैं वो पैसे गिनने की मशीन को इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाज़ अफराद इतनी तेज़ी से पैसे काउंट कर लेते हैं कि उन्हें किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. और ये तमाम जो कैशियर है तेज़ रफ्तारी से पैसे गिनने के लिए अलग अलग तरीके भी इस्तेमाल करते हैं. चीन का एक मकबूल टीवी जो है वो तेज़ी से रकम गिनने वालों का मुकाबला भी मुनक्किद करवाता है.
इन मुकाबलों में जनाब मुख्तलिफ बैंक से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल होते हैं और इस हवाले से बहुत सारी वीडियोज भी इंटरनेट पर वायरल हुई है। इसी तरह की एक वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो एक खातून को एक साथ 5 नोट गिनने होते हैं, गिन रही है एक साथ 5 नोट और नोटों का पूरा पैकेट उन्होंने 10 सेकंड के अंदर से भी कम में उन्होंने पूरा पैकेट लिया और इनकी तेज रफ्तारी देखें, एक वक्त में 5 नोट और 6-7। मतलब मैं तो आधा दिन इसी बात का हिसाब करती रहती हूँ कि सुबह मैंने कितने पैसे खर्च किए थे और फिर आधे मैंने बाद में कहाँ रखे। मतलब आधे से ज्यादा लोगों का तो यही मसला होता है, इनकी रफ्तार देखें जनाब। अच्छा जी, ये देखें जनाब, ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, ये मुझे मज़ा आया रिसर्च शेयर करके। आज जरा हम आपको ये भी बता दें कि आज वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाएगा, इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसका बेसिकली दिन का बनाने का पर्पज़ क्या है। सार्फीन के हकूक का आलमी दिन है जनाब, और आज से 50 साल पहले 15 मार्च को इस वक्त अमरीका के जो सदर थे जॉन एफ कैनेडी, उनकी जानिब से सार्फीन के हकूक की बात पर अमरीकी कांग्रेस में की गई थी और पाकिस्तान के आइन के तहत जो है सार्फीन के हकूक का तहफ़ करना सूबाई हुकूमतों का काम है। और पाकिस्तान की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो सार्फीन के हकूक के लिए कानून पहली बार बेनजीर भुट्टो साहिबा की हकूमत में 1995 में ये मुतारफ करवाया गया था और 2007 में सार्फीन की अदालत बनी और एक ही अदालत मौजूद है जिसे आप कंज्यूमर कोर्ट भी कहते हैं। इस हवाले से हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे अपने जो अगले सेगमेंट में, अभी हमने न्यूज स्टोरीज पर भी बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर।